गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं, मेरे बच्चों को कुछ रिफ्रेशिंग ड्रिंक चाहिए, तो आज मैं उनके लिए रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने मसाला सिकंजी तैयार करूँगी। मसाला सिकंजी के लिए मैं एक मसाला तैयार करने जा रही हूँ। जब भी आप लोगों को इंस्टेंट मसाला सिकंजी बनानी हो तो उसको मसाला को तैयार करके रख सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर करके रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जब भी आपके बच्चों को इंस्टेंट मसाला सिकंजी चाहिए तो आप फटाफट मसाला सिकंजी तैयार करके दे सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट मसाला सिकंजी बनाते हैं। सिकंजी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम जीरा को रोस्ट कर लेते हैं और जीरा मैंने 2 टेबल स्पून लिया हुआ है और हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें फ्लेम को लो ही रखना है और इसका कलर नहीं चेंज होने देना है। ऐसे ही इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा जीरा रोस्ट हो चुका है, हम गैस को ऑफ कर देते हैं और आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जीरे का कलर चेंज नहीं हुआ है, बस हल्का सा रोस्ट मैंने किया है शिकंजी के लिए। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून काली मिर्च डालूंगी, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून रेगुलर नमक और अदरक का पाउडर डालेंगे, जिसे हम कहते हैं जिंजर पाउडर। अब हम इनको आपस में मिक्स कर लेंगे। इसको एक मिक्सी की जार में इसको डालेंगे और एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है मसाले की। मैंने जो ये मसाला तैयार किया है, हम इस मसाले को एयर टाइट कंटेनर में काफ़ी समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इस मसाले का यूज करना बताती हूँ। चलिए अब हम इस मसाले से सिकंजी तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 गिलास लिए हैं। अब मैं इसमें आइस क्यूब डाल देती हूँ। इसमें 1/2 टीस्पून जो मैंने मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल देती हूँ। वन टीस्पून लेमन जूस डालेंगे। अब मैं आप लोगों को 2 तरीके की सिकंजी बनाना सिखाती हूँ। 1 गिलास में मैं चिल्ड पानी डाल रही हूँ। और दूसरे ग्लास में मैं सोडा डाल रही हूं। इन दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इनको आपस में मिक्स कर लेते हैं। इसको और रिफ्रेशिंग करने के लिए मैं थोड़ी सी इसमें मिंट डाल रही हूँ। इस तरह से हमारा रिफ्रेशिंग मसाला सिकंजी तैयार है।
और आप लोग इस सिकंजी को जरूर एंजॉय कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये सिकंजी की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल श्वेता पोरवाल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी डिटेल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू, हैप्पी कुकिंग।